हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। टॉबी इलस्ट्रेटर के टिप्स एंड ट्रिक्स की एक और वीडियो के साथ फिर से मैं आ गया हूँ और आज हम देखेंगे हिंदी टाइप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और उसकी सल्यूशन। खास तौर पे ये वीडियो उनके लिए है जो हिंदी में बैज या लोगो डिजाइन करते हैं। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है खास तौर पे उनके लिए है जो कि हिंदी में टाइप करते हैं। अब कई सारे सब्सक्राइबर ने सवाल ये किया था कि सर कुछ एक प्रॉब्लम है, उसका सलूशन हमें बताइए। देखिए, कमेंट बॉक्स पे हर एक प्रॉब्लम का सलूशन बताना पॉसिबल नहीं होता है और एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो सोचा गया कि क्यों ना छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपके प्रॉब्लम का सलूशन आपको दिया जाए। राइट, सो आज का जो वीडियो है खास तौर पे उनके लिए जो हिंदी में बैज डिजाइन करते हैं या फिर लोगो डिजाइन करते हैं। नहीं, मैं कोई लोगो डिजाइन प्रोसेस आपको नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज है, उसके लिए एक अलग से सीरीज मैं लेके आऊंगा। अभी नहीं, थोड़ा सा वक्त दीजिए, बाद में हम उसको भी देखेंगे, लोगो प्रोसेस को भी देखेंगे, थ्योरिकल चीजों को भी देखेंगे, प्रैक्टिकल चीजों को भी देखेंगे। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो है, कई बार ये होता है कि जब हम हिंदी में टाइप करते हैं तो वो जो वर्ड है ऊपर उसके जो लाइन है हिंदी में, मैं लेट्स इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो, ठीक है। यहाँ पे जो ये लाइन है ये ब्रेक हो जाता है किसी पाथ पे आने पे या फिर किसी कर्व वाली चीज पे या सर्कल के ऊपर आने पे ये ब्रेक हो जाता है। लेट्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ एलिप्स और इस तरह से मैंने एक एलिप्स को ड्रॉ किया। फिल को मैं ख़त्म करके स्ट्रोक में ले रहा हूँ, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो अब मैं ये चाहता हूँ जी ये जो हिंदी का जो वर्ड है ये इस पर आ जाए, ठीक है। कई बार सवाल किया गया कि सर हिंदी किस तरह से टाइप करेंगे सर्कल के ऊपर। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है इलस्ट्रेटर में मेरा, तो बेसिक ज़रूर देख लीजिए मेरे चैनल पर जाके, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से दे रहा हूँ मैं टाइप टूल, ठीक है, और सिंपली मैं इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ, इतने वर्ड को क्रिएटिव आर्ट इतना मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी मैं कॉपी कर लूँगा, एडिट में जाके कॉपी, और सिंपली मैं फिर से मैं टाइप टूल के नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पे हमें मिलेगा टाइप ऑन ए पाथ टूल, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इस सर्कल के ऊपर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और क्लिक कर रहा हूँ। राइट, जैसे मैंने क्लिक किया जो डमी टेक्स्ट है वो आ जाता है, बैकस्पेस किया मैंने और कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। राइट, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए, ये जो प्रॉब्लम है जो लाइन जो ब्रेक होता है ये बहुत बुरे से लगते हैं। तो ये लाइन ब्रेक होते क्यों हैं, देखिए जो फॉन्ट होते हैं, फॉन्ट हिंदी फॉन्ट का जो एक लेटर होता है, मान लीजिए ये जो लेटर है इसके साथ एक लाइन आपको स्ट्रेट मिल रहा है, वो लाइन स्ट्रेट ही रहेगा, वो कर्व पे लाने पे कर्व नहीं हो जाएगा। हर एक लेटर के साथ एक स्ट्रेट लाइन है, जब वो सारे लेटर एक साथ आके एक कर्व वाली चीजों के ऊपर आते हैं तो इस तरह से ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। अब इसका प्रॉब्लम का सलूशन भी है, लेट्स मैं इसको अंडो कर रहा हूं कंट्रोल जेड से, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब करेंगे क्या, मैं ये चाहता हूं कि इतना जो वर्ड है ये क्रिएटिव वर्ड। अच्छा, एक सवाल और किया गया था कि सर हम चाहते हैं कि ये जो वर्ड है कुछ हिंदी के ऐसे आए, यानी कि लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ से, ठीक है, और कुछ वर्ड आए लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ से, तो ये कैसे लेके आएंगे, ठीक है। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले इस सर्कल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट सेलेक्शन टूल ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग कई तरह के सवाल करते हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे किया आपने, वैसे किया।
देखिए, आपके सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बेसिक में मैं ऑलरेडी दे चुका होता हूँ, तो प्लीज बेसिक जरूर देखा कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पे है। सो मैं नीचे आ रहा हूँ और यहाँ पे देखिए एंकर पॉइंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और सिंपली मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो हमें एक हाफ सर्कल मिल जाता है। अब ये हाफ सर्कल का मैं एक डुप्लीकेट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको फ्लिप करेंगे वर्टिकल, तो सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी में आ रहा हूँ और यहाँ से मैं फ्लिप कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब देखिए क्रिएटिव वर्ड, इतने वर्ड को मैं चाहता हूँ इस ऊपर वाले सर्कल में आए, यानी कि लेफ्ट टू राइट ऐसे, और डिजाइन स्टूडियो लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ आए। सो इसके प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों वर्ड को अलग करेंगे, देखिए क्रिएटिव आर्ट, ठीक है, दोनों को अलग अलग करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एंड टाइप टूल ले रहा हूँ, क्रिएटिव आर्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड कंट्रोल एक्स से कट करके कहीं और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। टाइप टूल सेलेक्ट ही होना चाहिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बैक स्पेस कंट्रोल वी से पेस्ट मैं कर रहा हूँ, ये अलग हो गया और डिजाइन स्टूडियो अलग हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो एक चीज का याद रखिए कि दोनों का जो साइज है फॉन्ट का वो एक जैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इतना मैंने सेलेक्ट किया, अब राइट क्लिक करूंगा इसी के ऊपर और इसको कर देंगे क्रिएट आउटलाइन, ठीक है, अब ये पाथ में कन्वर्ट हो गया है। सेम इसको भी यही करूंगा, मैं डिजाइन स्टूडियो को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक क्रिएट आउटलाइन कुछ इस तरह से। अब एक काम और करेंगे, विंडो में जा रहा हूं मैं और यहां से हम ले लेंगे ब्रशेस का पैनल, F5 है इसका शॉर्टकट, ठीक है जी। ब्रशेस के पैनल में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है, क्रिएटिव आर्ट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं, अगर बेसिक नहीं देखा है तो जरूर देखिए इन ब्रशेस के पैनल को किस तरह से यूज किया जाता है और अपना कस्टम ब्रश किस तरह से बनाया जाता है, बहुत डिटेल में समझाया। मैं सिंपली आके हार्ड ब्रश को सेलेक्ट कर रहा हूँ, धड़ा से मैं ओके कर रहा हूँ। कुछ पूछता है हार्ड ब्रश ऑप्शंस में, इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना है आपने, सिंपली ओके कर देना है, तो यहाँ पे आपको क्रिएटिव आर्ट नजर आएगा। सिंपली अब डिजाइन स्टूडियो को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस पैनल में ड्रॉप कर रहा हूँ, हार्ड ब्रश को सेलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा, कुछ पूछेगा यस कर दूंगा, दैट्स इट। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब ऊपर वाले ये जो आर्क है हाफ सर्कल, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ क्रिएटिव आर्ट इसमें आए, तो सिंपली मैं इसमें आके क्लिक कर दूंगा तो ये आ जाएगा जी इसके ऊपर। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, देखिए अब ये लाइन बिल्कुल ब्रेक नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये पाथ में कन्वर्ट हो चुका है, या यू समझ लीजिए कर्व हो चुका है। फॉन्ट में रहेगा तो ब्रेक हो जाएगा, पाथ में कन्वर्ट कर दोगे तो वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ और नीचे वाले आर्क को मैं सेलेक्ट करके डिजाइन स्टूडियो को मैं क्लिक कर रहा हूँ, दैट्स इट, तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है, राइट। सो उसके बाद चाहो तो आप इसको लोगो बना सकते हो, बैज बना सकते हो, जो बनाना है बना सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ कीजिए शेयर, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले अडोबी इलस्ट्रेटर के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेकर एक और नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।